हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूं कि फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज अ हिंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेस कर सकते हो कि हाँ, इससे आपकी फीमेल पार्टनर रेडी हुई है, अराउज हुई है। बट कुछ ऐसे साइन एंड सिग्नल्स होते हैं, सिम्टम होते हैं जो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि हाँ, आपकी फीमेल पार्टनर रेडी हुई है, अराउज हुई है। बट आज भी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 60% मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से फोरप्ले वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया और वो सोचते हैं कि मेरी फीमेल पार्टनर रेडी हो गई और वो डायरेक्ट इंसर्शन पे चले जाते हैं। कितने मेल पार्टनर हैं जो चेक करते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर अराउज हुई है, खासतौर से वो फीमेल पार्टनर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। आजकल तो थायराइड हर घर में है, मुझे खुद थायराइड की दिक्कत है, मैं खुद जानती हूँ कि 4 साल लग गए मुझे इसको रिकवर करने में। आज मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त, और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। पर 4 साल लगे हैं मुझे इस जगह पर आने के लिए, पर मैंने इसके लिए बहुत हार्डवर्क किया। कितने औरतों को इतना वक्त मिलता है कि वो बच्चे को संभाले, घर संभाले और अपने मतलब के जो डिजीज़ है उसको देखभाल करे। तो इसलिए जिनको थायराइड की दिक्कत है, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है, उन फीमेल्स के बॉडी में हार्मोन्स की लेवल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको अराउज होने में बाकी औरतों से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। इवन उनके बोल सकते हो उनकी इच्छा बहुत बार मर भी जाती है। तो इसीलिए ऐसे औरतों के साथ जब आप बनाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है। बट आज भी इस रेशियो में मर्द बहुत कम टाइम देते हैं, और ख़ासतौर से जिनकी शादी हो चुकी है, 5 साल बीत चुके हैं और ये उनके लिए बिल्कुल यूज्ड टू हो गया है, अब सिर्फ डिस्चार्ज करते हैं। फीमेल पार्टनर भी मुंह घुमा लेती है, मेल पार्टनर भी मुंह घुमा लेते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे इन चीज़ों को, वैसे वीडियोज़ वगैरह तो आप मेरे सारे ही देखते हो, बट कितना अप्लाई करते हो वो मुझे नहीं पता। बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो जिनका लुब्रिकेशन बहुत अच्छा होता है, मर्द टच भी नहीं किया और लुब्रिकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो उनको कोई डिजीज़ है, ना उनके लिबिडो कम है। तो इसीलिए ये जो लुब्रिकेशन है, ये एक सेक्सुअल क्लाइमेक्स होता है, यानी कि आप इससे समझ सकते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर प्रॉपर अराउज हुई है और नाउ दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर हिटिंग। इस केस में बहुत बार आप मर फीमेल पार्टनर खुद आपको खींच लेते हैं, क्योंकि फिर वो चाहते हैं कि आप इंसर्ट करो, क्योंकि उसकी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है। बट बहुत सारे फीमेल पार्टनर का लुब्रिकेशन होता ही नहीं है। किसी को कुछ फीमेल्स ओरल पिल्स लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है कि ड्राइनेस आ जाती है, कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है लुब्रिकेशन की, दिक्कत हो रही है, थोड़ी एज हो रही है, मेनोपोज स्टार्ट हो चुका है या फिर बच्चा हो चुका है, हार्मोन्स लेवल गिर चुके हैं, इसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं होता। लुब्रिकेशन नहीं हुआ मतलब फीमेल रेडी नहीं हुई। मैं आपको बता रही हूँ, अगर लुब्रिकेशन हुआ तभी आपकी फीमेल पार्टनर रेडी हुई है, बिकॉज जब आपकी बॉडी रेडी होती है, फीमेल की बॉडी रेडी होती है, तभी बॉडी लुब्रिकेशन को स्टार्ट करती है ताकि वो स्लिपरी हो और आप अच्छे से इंसर्ट कर सको, क्योंकि ये डायरेक्ट सिग्नल होता है आपके लिए। अगर आप कुछ ना भी ट्राई कर सो, एटलीस्ट आप जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के क्लिट एरिया को स्टिमुलेट करते हो। जिन मर्दों ने आज तक अपनी फीमेल पार्टनर का प्राइवेट पार्ट क्या चीज़ है देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, छुआ ही नहीं, उनके लिए वीडियो भी नहीं है। पर जो अपने फीमेल पार्टनर के क्लिट को स्टिमुलेट करते हैं, अगर वो चाहे तो वो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर गीली हुई कि नहीं, गीलापन आया कि नहीं, लुब्रिकेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं। अगर लुब्रिकेशन थोड़ा बहुत भी स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीमेल पार्टनर रेडी है और उस टाइम पे ही इंसर्ट करना चाहिए। बहुत बार बिना लुब्रिकेशन के जब आप ज़बरदस्ती करते हो तो उससे बहुत बार रैश पैदा हो जाते हैं, घर्षण से फिर जलन शुरू हो जाती है फीमेल को, बाद में जाकर जब वो यूरिन पास करते हैं या फिर जब वो वॉश करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें काफ़ी जलन महसूस होती है, पेन होता है, इवन फिज़िकल रिलेशन के दौरान भी उन्हें पेन होता है। कभी कभार फीमेल पार्टनर इस चीज़ को फिर भी टॉलरेट कर ले, एक बार, दो बार, तीन बार, बट ऐसी चीज़ें बार बार टॉलरेट नहीं की जा सकती। तो एज़ अ पार्टनर
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को चेक, अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ीमेल पार्टनर भी खुश हो, आपकी फ़ीमेल पार्टनर भी इंजॉय कर सके फिजिकली, एटलीस्ट उसको दर्द ना हो, उसको पेन ना हो, वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, तो आप उसके लुब्रिकेशन के लिए वेट करो। चाहे भले ही आपको 2 मिनट की जगह 5 मिनट वेट करना पड़े, 10 मिनट वेट करना पड़े, क्या जाता है, वही तो आप इंसर्ट करने के बाद 2 मिनट लगाओगे या 3 मिनट लगाओगे, क्योंकि एक एज के बाद 2-3 मिनट ही रह जाता है। पर अगर आप 10 मिनट अपने आप से वेट कर लेते हो ना, तो वो 2-3 मिनट उसके लिए प्लेजरेबल बन जाता है। तो इसीलिए क्लाइमेक्स तक का इंतज़ार करें, उसके लुब्रिकेशन के लिए वेट करें। अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में कोई दिक्कत है। कि अगर वो पिल्स वगैरह ले रही है, अगर वो दूसरी चीज़ें ले रही है, या फिर उसके बॉडी में अगर एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, तो उस केस में भी लुब्रिकेशन बहुत ही कम हो जाता है, एजिंग की वजह से भी हो जाता है। तो इस केस में आप सिर्फ एक ही चीज़ें उसको खिलाओ तो इससे ही बहुत इफ़ेक्ट होगा, वो है शतावरी। शतावरी फीमेल्स के लिए मान सकते हो कि वरदान है। अगर शतावरी रोज़ एक फीमेल 10 mg ले, सिर्फ 10 mg ले, यानी इससे ही सिर्फ 2-3 महीने में आप उस पर असर देखोगे। पहली बात तो इससे फीमेल की लिबिडो बहुत ही जल्दी बढ़ती है, एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ता है। दूसरा होता है कि उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, उसमें थकान कम होती है, जो कि बहुत सारे डिजीज़ की वजह से होती है। और जब नेचुरली बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, तो ये लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाती है। तो अगर आप मतलब कि उसको हेल्प करो, उसको आप शतावरी दे सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि उसका लुब्रिकेशन फिर भी नहीं होता है, और आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वेट करने से उसका लुब्रिकेशन हो रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जो फिज़िकल रिलेशन है उसको मज़ेदार बनाओ दोनों के लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।